प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हमने शरीर के बारे में सीखा और जैसे आगे हम बढ़ेंगे उसके, जैसे हमने बताया था पहला थिस्सलुनीकियों किताब उसका 5वां अध्याय 23वां वचन, हमारे आत्मा प्राण और देह को जो यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रखना है, और हमने शरीर के बारे में सीखा, उसी तरह से जो है हमारे प्राण के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। और ये प्राण क्या है? प्राण जो है हमारा जो है ये हमारा मन है, और ये मन ही जो है हमारे पूरे शरीर को जो है कंट्रोल करती है, हमारे पूरे शरीर को वो चलाती है। जैसे हमने याकूब के किताब में भी उदाहरण देखा था, हमारी जीभ जो है पूरे जो है वन में आग लगा सकती है, हमारी जीभ जो है हमारी जीभ के अंदर जो है जीवन भी है और मृत्यु भी। उसी तरह से हमारा प्राण भी एक ऐसा भाग है जो ये बताती है कि हम कौन हैं। और इस प्राण में जो है 3 बातें है और वो हमें समझना बहुत जरूरी है। इस प्राण में जो है 3 चीजें होती है, एक तो जो है इच्छा होती है, और दूसरी जो है बुद्धि होती है, और तीसरा जो है इसमें भावनाएं होती है। और मैं बताना चाहता हूं जो है ये हमारे प्राण में ये 3 चीज जैसे होती है, इच्छा होती है, जब भी कोई चीज को हम बाहर जाते हैं, है ना, दुकान में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो हम कोई चीज को देखते हैं तो हमारे अंदर जो है तुरंत जो है एक इच्छा जाग जाती है कि मैं इसे लूं, है ना, इसे खरीदूं, है ना। और वो खरीदना या नहीं खरीदना ये मेरे ऊपर डिपेंड रहता है, मैं चाहे तो उसे खरीद भी सकता हूं, चाहे तो मैं उसे नहीं भी खरीद सकता हूं, ये मेरा चॉइस है। शॉप वाला कितना भी कुछ भी बोले, जो है कितना भी कुछ भी करे, मगर मेरी इच्छा होती है कि मैं उसे खरीदूं या नहीं खरीदूं, तो ये एक इच्छा होती है। और दूसरी बात जो है वहां पर होती है बुद्धि होती है की बातें जो है। और एक जगह पर जो है यीशु मसीह ने जो है बुद्धि की बातें कही और लोग चकित हो गए, और लोग यीशु को परखने के लिए आए थे, और कोई वहां पर आकर जो है यीशु से पूछता है, फरीसी सदुकी में से आकर जो है पूछता है, क्या मैं जो है राजा को कर देना है या नहीं देना है, है ना, कर देना है या नहीं देना। अगर यीशु मसीह कहता है कि देना है तो फिर राजा सबसे बड़ा हो गया, नहीं देना है तो वहां पर जो है लोग जो है विरोध में आ जाएंगे, ये राजा के विरोध में बात करता है। मगर यीशु मसीह ने देखो वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल किया, और यीशु मसीह ने कहा जो राजा का है वो राजा को देना है, जो कैसर का है वो कैसर को देना है, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हमें देना है। तो यहाँ पर समझ रहे यीशु मसीह ने बुद्धि की बात कही। उसी तरह से जो है मेरे अंदर भी जो है कई बार ऐसा होता है कि जो है कुछ बातें जो है ऐसी होती बुद्धि से जो सडनली आ जाती है, और ऐसे कुछ आइडियाज आ जाते हैं, ऐसे कुछ जो है सोच आ जाती है उस बुद्धि की वजह से। जो है आज बहुत सारे जो है जगह पर हम देख रहे हैं नई नई चीजें आ रही है, नई नई चीजें बन रही है, और सारी चीजें जो हमारे हाथ में आ गई अभी, जिसे हम जो है मोबाइल कहते हैं, पहले अलग से हमको टॉर्च लेना पड़ता था, अलग से गेम लेना पड़ता था, या फिर बहुत चीज अलग अलग करनी पड़ती थी, मगर आज जो है सारा इनबिल्ट जो है हमारे मोबाइल में आ गया, टॉर्च भी आ गया, कैलेंडर भी आ गया, कैलसी भी आ गया, है ना, बहुत सारे ऐसी चीजें। और ये कैसे आ गई? बुद्धि की वजह से, लोगों ने अपना बुद्धि को इस्तेमाल किया और वो बुद्धि को जो है कार्य में लेकर आया। तो ये बुद्धि की बातें हैं, ठीक है। और जो है तीसरी बात जो है वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है हमारी भावनाएं, जिसको कहते हैं इमोशन, है ना। हम कई बार जो है बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कई जो है ऐसे सीरियल देखकर, मूवीज देखकर कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, तो वहां पर फिल्म चलती है और ऑटोमेटिक जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं, और कुछ ऐसे शॉट होते जिसमें अचानक हम लोग हंसने लग जाते हैं। तो ये चीज क्या दर्शाती है? हमारे इमोशनल को, जो हमारी भावनाओं को बताती है। तो हमारे मन में जो है
ये तीन चीजें होती है जो है इच्छाएं होती है, बुद्धि होती है, भावनाएं होती है। मगर मुझे और आपको जो है ये मन को जो है परमेश्वर के लिए जो है इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारा मन जो है असाध्य रोगों से भरा हुआ था। हमारा मन जो है असाध्य रोगों से भरा हुआ था और आज अंधकार ने, शैतान ने पूरे संसार में लोगों के मन को इतना जो है कब्जा कर लिया है कि लोगों के मन में जो है वो परमेश्वर की बातों को वो जाने ही नहीं देता है कि लोग परमेश्वर की इच्छा पूरा करें। वो परमेश्वर की बातों को लोगों के मन में जाने ही नहीं देता ताकि लोग जो है पश्चाताप करें, रोए। वो परमेश्वर की बातों को लोगों के अंदर जाने ही नहीं देता ताकि लोग जो है वो समझ पाए परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन क्या सिखाना चाहता है। तो चर्च, मुझे और आपको जो है आज जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, अय्यूब दाऊद की किताब में 84 में हमने पढ़ा था, वहां पर कहता है, दाऊद कहता है, मैं अपने तन और मन से यहोवा को पुकारूंगा। तो मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमारा मन जो है हमेशा प्रभु के लिए तैयार रहना। उसी प्रकार से भजन संहिता 103 में भी जो भजनकार कहता है, भजनकार कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ भी मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हालेलुया। तो क्यों जो है यहाँ पर जो है भजनकार कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ भी मुझ में है उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। क्यों यहाँ पर कह रहा है कि भजनकार अपने मन को क्यों परमेश्वर को धन्य कहने के लिए बोल रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जो है, जो भी चीजें आती है वो बाहर से जो आती है, वो चीजें सबसे पहले हमारे मन में जाती है। हम मन में जो है पहले सोचते हैं, मन में हमारी बातें वो आती है। आपको पता भी रहेगा, दाऊद राजा के बारे में एक बातें जो लिखी गई थी, बहुत दाऊद राजा ने बहुत युद्ध जीते, बहुत सारी बातें की, मगर एक चीज जो है इसके जीवन में जो है वो जो है उसको बहुत शायद वो ठेस पहुंचाई होगी, बहुत जो है उसको दुख हुआ रहेगा। क्योंकि ऐसा हुआ एक वक्त था कि उसको युद्ध में जाना था, मगर वो उस दिन युद्ध में नहीं गया और वो अपने जो है छत पर जो है वो टहल रहा था। उसी वक्त जो है उसने जो है उरिया की पत्नी को जो है नहाते हुए देख लिया, अपनी आंखों से उसने देखा और उसने अपने मन में, जैसे उसने देखा और अपने मन में उसने सोचना शुरू कर दिया कि कैसे मैं इसको हासिल करूं, और उसको हासिल करने के लिए उसके मन में बहुत सारे जो है प्लानिंग चलने लग गए। और उस प्लानिंग में ऐसा हो गया कि उसने जो है उरिया को जो है मरवा डाला, उरिया को मरवा डाला, और उसके बाद जो उसकी पत्नी को जो है अपनी पत्नी उसने जो है कर लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें भी, और उन दोनों के रिश्तों के वजह जो बच्चा हुआ था उनको, वो बच्चा भी जो है नहीं बच पाया, वो बच्चा भी जो है वहां पर मर गया। तो मैं क्यों ही आपको बताना चाह रहा हूँ कि शैतान हमारे मन में ऐसी बातें डालता है ताकि हम परमेश्वर के विरोध में पाप करें। शैतान हमारे मन को जो अपने नियंत्रण में लेना चाहता ताकि हम जो है परमेश्वर के बारे में इच्छा करने के बजाय हम संसार की इच्छा पूरा करें, हम संसार की इच्छा में अपना जो है मन लगाए, हम परमेश्वर के लिए रोने के बजाय, परमेश्वर के लिए हंसने के बजाय हम जो है संसार के लिए जो है रो रहे, अपने जो है हर एक परिस्थिति के लिए रो रहे। मगर परमेश्वर चाहता है, वो कहता है, दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। तो चर्च, ऐसी कोई भी कल्पना है, ऐसी कोई भी विचार जो आपके मनों में आ रही है जो परमेश्वर के वचन से ऊपर जा रही है, पौलुस कहता है कि हरेक मैं उन कल्पनाओं को, हरेक मैं उन विचारों को खंडन करता हूं जो परमेश्वर के वचन से ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। तो चर्च, मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है हमारे प्राण को जो है यीशु मसीह के आने तक जो है उसको सुरक्षित रखना है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि हमारे प्राण को कितना जरूरी है, क्योंकि ये प्राण एक ऐसा जो है दरवाजा है जो है जहां से जो है अंधकार जो है उस घुसने की
कोशिश करता है हमारे मनों में। और आपने देखा भी होगा जो है आदम को और हवा को जो है वहां पर हवा को किस तरह से शैतान ने भरमाया और उसको जो है बहलाया फुसलाया और उसको जो है पाप में गिराया है ना, उसको बताया कि जो ये फल तुम खाओगे तो तुम निश्चय नहीं मरोगे। और हवा ने जो है अपने मन में सोचा और देखा ये तो बहुत खाने में अच्छा है और जो है ये मन भावना बातें, तो यहाँ पर सोच रहे कि कैसा शैतान हमको ललचाने की कोशिश करता है, हमको जो है हमारे मन को जो है गुमराह करने की कोशिश करता है। तो चर्च मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि पौलुस कहता है मैं आग्रह करता हूँ, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन पूरी तरह से बदल जाए, आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपनी प्रार्थना में, आपको पता होगा अपनी प्रार्थना में यीशु मसीह कहता है, जब वो गतसमय के बाग में था तो वो वहां पर खून पसीना जो खून के तरह बहने लग गया, और उस वक्त जो है यीशु मसीह अपने मन को जो है परमेश्वर की ओर लगाता है और कहता है कि दुख का कटोरा मेरे सामने से हटा ले, मगर फिर भी प्रभु, फिर भी परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी, हो। तो समझ पा रहे कि यीशु के मन में भी युद्ध चल रही थी, मगर वहां पर यीशु ने प्रार्थना यही किया कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो चर्च आज मुझे और आपको भी जो है ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं या अंधकार की इच्छा पूरी कर रहे हैं। हम जो बुद्धि परमेश्वर ने हमको दिया है उस बुद्धि को हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या इस संसार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो है बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति और परमेश्वर ने उसको इतना बुद्धि दिया, मगर वो कहता है कि जो है आखिर में वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, क्यों वो कह रहा है व्यर्थ है, क्योंकि इसने अपनी बुद्धि का जो है वो जो है अपने वैभव के लिए, अपने जो है लोगों के लिए और अपने स्वार्थ के लिए उसने इस्तेमाल किया, इसलिए जिसे वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। मगर आपको जो परमेश्वर ने बुद्धि दिया, अगर उस बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के जो है आप महिमा करोगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा। इसीलिए जो है वहां पर पौलुस जो है अपने इफिसी की पत्री में कहता है कि हमारी वो प्रार्थना करता है कलीसिया के लिए, कहता है कि जो है हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए ताकि हम परमेश्वर के दर्शन को कर सके, मैंने हमारी मन की आंखें, तो हमारे मन की आंखें खुलना बहुत जरूरी है, हमें समझना बहुत जरूरी है, हमारे बुद्धि को, हमारे जो है इच्छा को, हमारी भावना को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा मन किसके लिए है। आमीन। तो चर्च मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर जो है आपके मनों को सुरक्षित रखे यीशु मसीह के आने तक। और पौलुस कहता है कि मैं आत्मा से भी भजन गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी भजन गाऊंगा, मैं आत्मा में भी जो है प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो चर्च ये सारी चीजें जो मुझे दी गई है ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए दी गई। तो अपने नीति वचन में सुलेमान कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत, ले वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा मत ले वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया, तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे जो है आत्मा के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे जरूरी है और जो सबसे कीमती है, क्योंकि बाइबल बताती है हम शरीर से बनाए गए और जो है मिट्टी से बनाए गए, मिट्टी में ही मिल जाएंगे और आत्मा जो है परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो ये आत्मा जो परमेश्वर के पास जाने वाली है, इस आत्मा के बारे में